हेलो भाई, मैं इब्राहिम। ये है किया कारेंस एम ड्राइव बेस वेरिएंट स्पेशल कमर्शियल यूज के लिए। और ये है इसकी चाबी, नॉर्मल फिजिकल की मिलेगी। इस पे किया की बैजिंग मिलेगी। कैसे दिखती है? यहाँ पे ब्लैक ट्रीटमेंट और यहाँ पे डिजाइन पैटर्न दिया हुआ है। और ये किया का लोगो, यहाँ पे बोनेट में शार्प कट्स दिए हुए हैं। और ये इसकी हेलोजन रिफ्लेक्टर बैज हेडलैम्प, यहाँ पे इंडिकेटर यूनिट, नीचे लोअर ग्रिल, 1800 mm विड्थ मिलेगी। साइड से कुछ ऐसी दिखती है, 4540 mm लेंथ मिलेगी, 1708 mm हाइट मिलेगी, 195 mm ग्राउंड क्लीयरेंस मिलेगा। और यहाँ पे फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा। और ये इसके 16 इंच के व्हील कैप के साथ, जिसके टायर साइज है 205/65R16। फ्रंट में मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलेगा कॉइल स्प्रिंग के साथ। और यहाँ पे साइड में साइड बॉडी क्लैडिंग मिलेगी ब्लैक कलर में, फुल साइड बॉडी क्लैडिंग मिलेगी। और ये इसका बॉडी कलर्ड ORVM। और यहाँ पे ए पिलर ब्लैक मिलेगा। और यहाँ पे बी और सी पिलर भी ब्लैक मिलेंगे। बॉडी कलर डोर हैंडल मिलेंगे। और यहाँ पे रियर में डिस्क ब्रेक मिलेगी, रियर में कपल टॉर्जियन बीम एक्सल सस्पेंशन मिलेगा, ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिलेंगे। पीछे से ऐसी दिखती है। यहाँ पे कनेक्टेड टेल लैंप मिलेंगी। और यहाँ पे IMT की बैजिंग, यहाँ पे किया की लोगो, और ये कैरेंस की बैजिंग, और ऊपर माइक्रो रूफ एंटीना मिलेगा। ये हाई माउंट स्टॉप लैंप। और यहाँ से खुलेगा बूट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग मिलेगी, 216 लीटर की बूट स्पेस मिलेगी। और यहाँ पे टूल किट वगैरह, यहाँ पे एक हुक मिलेगा, इधर साइड पे भी हुक मिलेगा। और थर्ड रो की सीट फोल्ड करने पर काफी अच्छी बूट मिलेगी, फ्लैट फोल्ड मिलेगा। फ्यूल कैप, 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। फ्रंट पैसेंजर डोर, यहाँ पे मैनुअल ORVM के कंट्रोल मिलेंगे। और ये सिल्वर डोर लीवर, यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी हुई है। और यहाँ पे पावर विंडो बटन, यहाँ से पकड़ के इसको बंद करेंगे। यहाँ पे आर्मरेस्ट, दो बोतल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर मिलेगा। यहाँ पे स्पीकर ग्रिल दी हुई है। और ये इसकी पैसेंजर सीट। और ये ग्लो बॉक्स, इतनी स्पेस मिलेगी ग्लो बॉक्स में। और यहाँ पे एसी वेंट, यहाँ पे ग्रे ट्रीटमेंट मिलेगा। और यहाँ से बाहर निकलेगा एयर फ्रेशनर। यहाँ पे ऊपर एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पे प्लास्टिक दिया हुआ है हार्ड। और ये पैसेंजर साइड सनसेट। और ये ड्राइवर साइड डोर, मैनुअल ORVM का कंट्रोल यहाँ पे मिलेगी। डोर लिव ग्रे फिनिश के साथ। और यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल और लॉक अनलॉक का बटन। और ये आर्मरेस्ट, अगेन यहाँ पे दो बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, और यहाँ पे स्पीकर ग्रिल। और ये इसकी 6-way मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ड्राइवर सीट, लेदरेट अपोलस्ट्री मिलेगी। और यहाँ पे इस इवेंट का डिजाइन, हेडलाइट लेवलर, और ये एक्सेलरेटर और ब्रेक पेडल, उधर डेड पेडल मिलेगा इंटीग्रेटेड। और यहाँ से खुलेगा बोनट।
और ये इसका स्टेयरिंग व्हील, यहाँ पे राइट साइड में एमआईडी के कंट्रोल्स मिलेंगे, और ये टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिलेगा, और यहाँ पे राइट साइड में हेडलैम्प के कंट्रोल्स और लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे, और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राइट साइड में आरपीएम बताएगा और लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, और राइट साइड में नीचे टेम्परेचर गेज और लेफ्ट साइड में फ्यूल गेज, बीच में एमआईडी मिलेगी जिसमें ड्राइव इंफॉर्मेशन, सेटिंग यूरिया लेवल, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे सेटिंग, सेटिंग में ड्राइवर असिस्टेंट, क्लस्टर, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, यूनिट, लैंग्वेज, रीसेट, ड्राइवर सनसेट टिकट होल्डर के साथ, और यहाँ पे मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम, और यहाँ पे ऊपर दो हेलोजन रूफ लैंप, और यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिलेगा, और यहाँ पे रियर पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर बताएगा, और कुछ ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड, यहाँ पे कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा, और यहाँ पे हेजार्ड लाइट का बटन, यहाँ पे मैनुअल एसी के बटन्स, यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, इधर से मोड, और नीचे सर्कुलेशन बटन, एसी ऑन ऑफ बटन, और यहाँ से फैन स्पीड, और यहाँ पे नीचे यूएसबी टाइप सी पोर्ट, 12 वोल्ट पोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे मोबाइल रखने की जगह दी हुई है, और ये ब्लैक कलर में गियर नॉब मिलेगा, और ये ब्लैक पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक, यहाँ पे एक बोतल होल्डर और कप होल्डर मिलेगा, और यहाँ पे स्पेस दी हुई है कुछ रखने के लिए, और कुछ इतनी स्पेस मिलेगी, और काफी अच्छा हेडरूम मिलेगा, और ये रियर डोर पैनल, यहाँ पे अगेन डोर लीवर ग्रे कलर में, और यहाँ पे पावर विंडो बटन, ये आर्मरेस्ट, और यहाँ पे नीचे कुछ रखने के लिए, और ये बोतल होल्डर, और ये इसकी रियर सीट, काफी अच्छा लेग रूम और काफी अच्छा हेडरूम मिलेगा, मेरी हाइट है 5'9", और यहाँ पे ऊपर एसी वेंट दिए हुए, और ये हेलोजन रीडिंग लैम्प, और यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है हुक के साथ, और ये फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और ये रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहाँ पे ये थ्री पॉइंटर सीट बेल्ट, आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, और यहाँ से ब्लोर स्पीड कंट्रोल करेंगे, नीचे दो यूएसबी टाइप सी पोर्ट और कुछ रखने के लिए, और पैसेंजर साइड से थर्ड रो एक्सेस करेंगे, वन टच टंबल फोल्ड मिलेगा, चलिए पीछे चलते हैं, और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट और बोतल होल्डर, यहाँ पे कुछ रखने के लिए, और यहाँ पे मेरे पैर टच कर रहे हैं, अंडर थाई सपोर्ट मिलेगा नहीं, और यहाँ पे ऊपर एसी वेंट दिए हुए, और ये हेलोजन रीडिंग लैंप, और हेडरूम भी नहीं मिलेगा, सर टच करने को है, लगभग 1 इंच का हेडरूम मिलेगा, और ये इसकी मिनिमम रिक्लाइन, और ये इसका मैक्सिमम रिक्लाइन, और ये यूएसबी टाइप सी पोर्ट, और यहाँ पे बोतल होल्डर और कुछ रखने के लिए, और ये है इसका 1.5 लीटर
इनलाइन फोर सिलेंडर, 16 वॉल्व DOHC कॉमन डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो चार डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 113 BHP और 250 Nm का टॉर्क। BS6 फेज टू कंप्लायंट डीजल इंजन मिलेगा और इसका इंजन पे यहाँ पे इंसुलेशन नहीं दिए और नीचे अंडर बॉडी गार्ड भी मिलेगा। सेफ्टी में ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 5 out of 3 star की टेस्ट रेटिंग स्कोर किए। बाकी सेफ्टी फीचर डुअल फ्रंट एयरबैग, एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल फॉर डिस्क ब्रेक, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, क्रैश सेंसर, डोर हजार वार्निंग। और कुछ ऐसी दिखती है किया कारेंस एम ड्राइव बेस वेरिएंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको किया की कोई भी गाड़ी चाहिए, जल्दी चाहिए, तो संपर्क करें मोरवी किया, बीकानेर रोड, नागौर, राजस्थान। इनका कांटेक्ट नंबर फ्लैश हो रहा होगा।